Respected listeners and dear students, assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. Let's start the reading of chapter number 4 from page number 40. Topic hai hamara horses, donkeys and mules, yani gadhe, ghode aur hachre. These are not usually kept in large herds but are bred in much smaller numbers. Yani ye bade bade revdon ke taur pe nahi rakhe jate, yani zyada sare nahi rakhe jate lekin kam miqdar mein inki nasl maujood hai, rakhi jati hai. Horses are not widely used today in most parts of the world as working animal on farms. यानी जो घोड़े हैं वो दुनिया में आप बड़े पैमाने पे एक काम करने वाले जानवर की तरह इस्तेमाल नहीं हो रहे, यानी माल बरदार जानवर. पहले घोड़ों पे सामान लाद के इधर से उधर लेके जाया जाता था और फिर उनका फार्म्स पे जो सा है यानी काश्तकारी में भी इनका इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा. But more for plier riding or races. लेकिन अब ज़्यादातर जो सा है घुड़सवारी के लिए या रेस वगैरह के लिए को इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी फ़न के लिए जस्ट. They are rather difficult and expensive to rear and need a great deal of attention. इनको पालना जो मुश्किल है और एक्सपेंसिव, यानी इस पर बहुत ज़्यादा लागत आती है, इसके अखराजात ज़्यादा हैं और इनको बहुत ज़्यादा तवज्जो चाहिए होती है जो घोड़े होते हैं. द डंकी इज मच टफर एनिमल विच इज़ वाई इट इज़ यूज सो वाइडली इन पाकिस्तान. यानी गधा जो सा है वो बहुत ही सख्त जानवर है, इसलिए बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है. इट इज़ हार्डी, कैन लिव ऑन ऑलमोस्ट एनी डाइट एंड वर्क टायरलेसली. ये किसी भी किस्म की डाइट में, किसी भी किस्म के खुराक में जिंदा रह सकता है. सख्त जान है और ये थके बगैर काम करता है. It is much more sure-footed than the horse, so it is far more useful on mountains or rough countrysides. Yani jo gadha hai wo ghode ki nisbat mazbooti se apne paon jo sa hai wo jumai rakhta hai, isliye ye pahadon pe aur jo remote areas hain, is tarah ke gaon hain jo ki bahut dur daraz aur bahut hi rough kisam ke hain, wahan pe ye bahut mufeed rehta hai. Although we think of donkey as a slow plodding animal, when necessary it can be surprisingly fast. हमें देखने में गधा बहुत मासूम और बहुत ही सुस्त जानवर नज़र आता है, लेकिन जब ज़रूरत होती है तो वो बहुत ही तेज़ी से, हैरान कन तौर पर बहुत ही तेज़ी से काम करता है. द वाइल्ड डंकी कैन रीच स्पीड अप टू 70 kph. यानी जो जंगली गधा है वो तकरीबन 70 kilometers फी घंटे की रफ्तार से चलता है. And can keep up 24 kph for 2 hours without break. और 2 घंटे तक ये मुसलसल चल सकता है 24 kilometers फी घंटा रफ्तार के साथ. The mule which is cross between female horse and male donkey is very tough. जो mule है, जो खच्चर है, वो जो female घोड़ा है और male donkey है उनका cross, उनकी cross breed है. Hard working animal even if it is sometimes very stubborn. यानी बहुत मेहनती जानवर है, का किसी भी किस्म का काम कर सकता है, लेकिन बाज़ुकात ये बहुत ज़िद्दी और अड़ियल किस्म का जानवर साबित होता है. नेक्स्ट टॉपिक है पोल्ट्री. यानी इसमें पोल्ट्री में ज़्यादातर बर्ड्स पाले जाते हैं, जैसे चिकन हो गया, डक्स और गूज वगैरह. मोस्ट पाकिस्तानी फार्मर्स हाउएवर स्मॉल देयर लैंड कीप अ फ्यू चिकन्स एंड परहैप्स सम डक्स एंड गीज. ज़्यादातर जो पाकिस्तानी किसान हैं, चाहे उनके पास ज़मीनें कम हैं, लेकिन वो मुर्गियाँ और बतखें और बाज़ का जो हंस राज होते हैं वो रखते हैं अपनी ज़मीनों पे. दीज बर्ड्स कैन फीड देमसेल्व्स. ये जो परिंदे हैं ये अपने आप को, ये अपना खाना खुद ही तलाश कर सकते हैं. बट देयर फूड इज़ टॉप्ड अप बाय हाउस होल्ड स्क्रैप. लेकिन ये जो खाने, घर में खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो बच जाती हैं, ये भी इनके खाने के तौर पर ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं. They provide egg all the year and when their laying lives are over they can be eaten. ये सारा साल अंडे देते हैं और जब इनकी जो अंडे देने की उम्र है वो ख़त्म हो जाती है तो फिर इनको खा लिया जाता है, यानी ज़िबा करके इनको खा लेते हैं. Poultry is easy to rear. यानी ये birds हैं, ये जितने भी birds हैं इनको पालना आसान होता है. Some eggs are allowed to hatch out into the chickens. यानी कुछ जो से अंडे हैं वो हैचिंग में यूज़ होते हैं, यानी उनसे चूज़े निकलवाए जाते हैं. देर आर ऑल्सो स्पेशली इन द वेस्ट कमर्शल पोल्ट्री फार्म्स वेयर टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ बर्ड्स यूजली केज प्रोड्यूस एग्स एंड मीट्स फॉर द मार्केट.
बहुत सारे जो पोल्ट्री फार्म हैं वो ऐसे भी हैं जो कि तजारती मकासद के लिए बनाए जाते हैं, खास तौर पे मगरिब में, और उनको उन परिंदों को बंद करके रखा जाता है ताकि उनसे अंडे और गोश्त हासिल किया जा सके मंडी में बेचने के लिए, मंडी के लिए. मैनी पीपल थिंक दिस इज़ ट्रू बट बिकॉज द बर्ड्स आर जैम्ड टुगेदर सो टाइटली दैट दे कैन नॉट मूव. बहुत से लोग ये समझते हैं, सोचते हैं कि ये ज़ालिमाना सलूक है, ये ज़ालिमाना चीज़ है, क्योंकि जानवर जो से परिंदे हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े हुए होते हैं कि उनके मूव करने की जगह नहीं होती. स्पेशल फूड डिज़ाइन टू इनक्रेज एग लेंग्स रन्स अलॉन्ग ट्रफ्स इन द फ्रंट ऑफ केजेस. जो स्पेशल फूड है अंडे देने वाली जो मुर्गियाँ हैं उनके लिए स्पेशल खाना जो सा है वो तैयार किया जाता है, स्पेशल फीड, ताकि वो खाएँ और ज़्यादा अंडे दें. और जिसको इनके पिंजरे हैं जो उनके साथ उन लटका दिया जाता है कटोरों में. Often the great sheds in the which the birds are kept have no windows but only electric lights which are switched on and off twice a day. यानी जो बड़े शेड हैं, जो बड़े शेड वो जगह होती है जहाँ पे इन बर्ड्स को रखा जाता है, उनमें बिल्कुल भी कोई खिड़की नहीं होती और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्ट्रिक लाइट्स होती हैं, यानी बिजली वैसे जलने वाली लाइट्स होती हैं जो कि दिन में दो दफ़ा बंद या ऑन की जाती हैं. The birds are tricked into believing it is another day and so lay more eggs. इसलिए ताकि परिंदों को ये परिंदों के साथ ये ट्रिक किया जाता है, ये खेल खेला जाता है कि बस बात पे यकीन कर लें कि नया दिन शुरू हो गया ताकि वो और ज़्यादा अंडे दे सकें. This method of rearing poultry is known as incentive farming. Do you think it is a good idea? पोल्ट्री की ये जो फार्म है, ये जो किस्म है, इसको इंसेंटिव फार्मिंग कहते हैं. क्या आप ये सोचते हैं कि ये अच्छा तरीका है, इनकी कोई अच्छा काम है? आपने ये बताना है कि आप ये सोचते हैं कि नहीं. नेक्स्ट इज फिशिंग. दिस इज यूजली इंक्लूडेड अंडर एग्रीकल्चर एंड ऑल्दो इट प्रोड्यूस ओनली अबाउट 1% ऑफ ह्यूमन फूड इट इज़ वाइटली इम्पॉर्टेंट इन सम प्लेसेस. फिशिंग है जो आमतौर पर ज़रात के अंडर ही आती है, इसको ज़रात का ही एक सब पार्ट माना जाता है. लेकिन अगरचे ये जो इंसानी खुराक है उसका 1% है जो मछली है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बड़े पैमाने पर. बस जगहों पे जो है इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, एक अहम खाने के तौर पे खाया जाता है. इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज फिशिंग इज़ डन फ्रॉम स्मॉल बोट्स ऑन रिवर्स लेक्स एंड नियर द कोस्ट. जो छोटे मुल्क हैं वहाँ पर, जो छोटी जो कम डिवेल्प कंट्रीज़ हैं वहाँ पर, छोटी कश्तियों से दरियाओं, झीलों और जो साहिली इलाके हैं वहाँ पे फिशिंग की जाती है, वहाँ से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं. डेवलप्ड कंट्रीज हैव जाइगेंटिक फिशिंग शिप्स विद मैनी इलेक्ट्रॉनिक एयर्स टू लोकेट शोल्स. जो बड़े मुल्क हैं, यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वहाँ पे बड़े बड़े जहाज होते हैं जो कि सिर्फ फिशिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं. और साथ में वो जहाँ पे ये शोल का मतलब है जहाँ पे ज़्यादा झुंड होता है मछलियों का, उसको लोकेट कर सकें. यानी यहाँ पे है एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उनके पास होते हैं, इलेक्ट्रिक मदद होती है उनके पास के वो उसे लोकेट कर सकते हैं कि ज़्यादा मछलियाँ कहाँ हैं, फिर वो वहाँ जाके उनको पकड़ लेते हैं. फिश स्टॉक्स आर बिकमिंग सो डिप्लीटेड स्पेशली इन यूरोपियन वाटर्स दैट सम स्पीशीज मे बिकम एक्सटेंट. ये जो यूरोप के पानी है वहाँ पे जो मछलियों का स्टॉक है, यानी मछलियों की तादाद है जो वो बहुत कम होती जा रही है, और बाज़ जो स्पीशीज़ हैं, बाज़ जो नस्लें हैं मछलियों की, वो तो बिल्कुल नापैद हो गई हैं, बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं. लॉज नाउ लिमिट द अमाउंट दैट कैन बी कट एंड देयर इज़ अ ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ फिश फार्मिंग. यानी मछलियों को पकड़ने के लिए कि कितनी तादाद में मछलियाँ पकड़ी जाएंगी, इसके बारे में कानून बनाए गए हैं ताकि जो सा है उन इसके ये जो स्पीशीज़ इनकी ख़त्म हो रही हैं, इनको इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सके. और जो फ़िश फार्म्स हैं, जिस तरह के पोल्ट्री फार्म्स हैं, इस तरह के फार्म जो से हैं बड़े पैमाने पर शुरू किए गए हैं ताकि फार्म्स में जो सा है फिशेज को पाला जा सके, रियर किया जा सके. जस्ट एज एनिमल्स ऑन द लैंड आर पुट इन फील्ड्स and fed with special diet to make them grow quickly. बिल्कुल वैसे जैसे आम जो से जानवर हैं उनको ज़मीन पर रखा जाता है और फिर उन्हें पाला पोसा जाता है, इसी तरह इनके लिए भी फील्ड्स बनाए गए, इनके लिए भी खेत बनाए गए हैं जिनमें, यानी इनके लिए मैदान बनाए गए हैं जिनमें इनको रखा जाता है, फिर
वहाँ पे इनके लिए स्पेशल फीड है ताकि जिससे वो खाएं और फिर उसके बाद जो ये जल्दी से तेज़ी से ग्रो हों, जैसे कि चिकन के लिए स्पेशल फीड होती है। सो सम फिश स्पेशली सैमन आर बींग कैप्ट इन जाइकेंटिक पेन एंड फेड वेरी हैविली। तो कुछ मछलियाँ जो सी हैं जैसे कि सैमन जो मछली है वो बड़े बड़े जो सा है पेन नुमा जो सी है जगों में रखे जाते हैं और उन्हें जो सा है भारी भरकम खाना खिलाया जाता है ताकि वो जल्दी ग्रो करें। इन नॉर्थ यूरोप ह्यूज नेट्स आर बीइंग प्लेस्ड अक्रॉस द माउथ ऑफ डीप वाटर इनलेट्स ऑफ द सी एंड दीज फॉर्म द पेंस। जो शुमाली यूरोप है वहाँ पे बड़े बड़े नेट बड़े बड़े जाल लगाए गए हैं जो कि समुंदर की शुरुआत से लेकर अंदर गहरे समुंदर तक लगाए गए हैं जिनको ये इनको पेंस कहते हैं और यहाँ पे मछलियाँ जो सी हैं ब्रीड करती हैं यहाँ पे इसी नेट्स के एरिया के अंदर अंदर रहती हैं। दिस इंसेंटिव ब्रीडिंग रिजल्ट्स इन प्लेंटी ऑफ फिशेस बट ऑफ पुअर क्वालिटी एंड देयर इज अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल अगेंस्ट फिश डिजीजेस। अफजाइश का ये जो तरीका है या जिस तरह ये जो नेट के थ्रू ये इससे बहुत सारी मछलियाँ जो सी हैं पैदा होती हैं लेकिन इनकी क्वालिटी कोई अच्छी नहीं होती और साथ में ये सब इकट्ठी क्योंकि इसी नेट में उसी एरिया में रहती हैं इस वजह से बहुत सारी मछलियों की जो बीमारियाँ हैं वो भी इनको लाहक हो जाती हैं जिसकी वजह से मुसलसल इनका ख्याल रखना पड़ता है, एक मुसलसल कोशिश जारी रखनी पड़ती है। पाकिस्तान सफर्स बैडली फ्राम द ह्यूज इंटरनेशनल ट्रॉलर्स फिशिंग इलीगली ऑफ़ द कॉस्ट। यानी पाकिस्तान को जौन सा है पाकिस्तान में इलीगली गैर कानूनी तौर पर बैन अलावा सतह पर कुछ ऐसे फिशिंग नेट बिछाए गए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान जौन सा है बुरी तरह से सफ़र करता है, पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो बुरी तरह से मुतासर होती है इसे। द स्कूप अप फ्राम द सी अ वेरी लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द अवेलेबल फिश सो दैट द लोकल फिशरमैन विद देयर सिंपल इक्विपमेंट आर बींग फोर्स आउट ऑफ द बिजनेस। यानी पाकिस्तान में जो समुंदर है वहाँ पे जो इंटरनेट बाकी के जो उनसे ममालिक हैं उन्होंने इस तरह से नेट बिछाए हुए हैं कि फिशेज जो सी हैं वो सारी की सारी उठा के लेके जा चले जाते हैं। जो लोकल जो उनसे मछेरे हैं उनके पास उनके सादा से जो आलात हैं उनके पास उससे मछलियाँ निकालने के लिए कुछ बचता ही नहीं है तो जिसकी वजह से वो मजबूर हैं कि इस बिज़नेस से वो दूर रहें, यानी वो फिशिंग नहीं कर सकते। द फिश caught by a huge international ship is frozen on the board and taken back to America, Japan or Europe where prices are much higher with the results that prices in Pakistan have tended to soar। और ये जो बड़े बड़े बैन अल-अक़वामी जहाज हैं ये फिश को यहाँ से ले जाने के बाद इसको फ्रीज करते हैं फिर उसके बाद जापान अमेरिका यूरोप और इस किस्म के ममालिक में बेचते हैं जहाँ इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं और इसके लिए फिर इसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो मजबूर हो जाता है कि अपनी जो यहाँ पे प्राइसेस हैं वो भी उनमें भी इजाफा करें। नेक्स्ट टॉपिक है हॉर्टिकल्चर जिसका मतलब है बागबानी। पहले हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे, एग्रीकल्चर में जो मुख्तलिफ फसलें हैं उनकी काश्त की जाती है जबकि बागबानी में जो फल और सब्ज़ियाँ हैं उनकी काश्त की जाती है। हॉर्स इज़ अ लैटिन फॉर द गार्डन हैंस हॉर्टिकल्चर इज़ अ काइंड ऑफ गार्डन ग्रोइंग। जो हॉर्स लफ्ज़ है ये लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है बाग, तो इसका मतलब है हॉर्टिकल्चर का मतलब है बागबानी या किसी बाग को लगाना बढ़ाना। इट इज़ रियली अ हाफ वे स्टेज बिटवीन गार्डन एंड फार्म। ये जो हॉर्टिकल्चर है ये एक बाग और एक जो फार्म है यानी कि यहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है उसकी दरमियानी सूरत है। हॉर्टिकल्चरिस्ट ग्रो वेजिटेबल्स such as carrots, onion, peas and beans, cabbages and cauliflowers on the large scale। जो कि बागबान लोग हैं जो कि वो लगाते हैं सब्जियाँ जिनमें गाजरें हैं प्याज हैं मटर हैं बीजू वाली जो सी सब्जियाँ हैं दालें हैं वो लगाते हैं फिर फूल गोभी बंद गोभी बड़े पैमाने पर इनकी कल्टीवेशन करते हैं इनकी काश्तकारी करते हैं। सम स्पेशली नियर बिग सिटीज़ ग्रो लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लावर्स फॉर मार्केट। कुछ जो बड़े शहर हैं जो बड़े शहरों के नज़दीक जो फार्म्स वगैरह या जो बाग वगैरह हैं वो फूल उगाते हैं ताकि वो मार्केट में उनको बेच सकें मंडी में उनको बेच सकें।
fruit orchards grow bananas, mangoes, lychees, apricots, peaches, apples and pears, dates, oranges, lemons as well as nuts. जो फ्रूट के बागात हैं उनमें केले, सेब, आम, लीची, खुबानी, आड़ू, सेब, खजूरें, माल्टे, नींबू वगैरह वगैरह और मुख्तलिफ जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जो नट्स हैं, मेवा जात हैं, वो भी लगते हैं. आमद, पिकेंस, कैश्यू, वॉलनट एंड वेरी इम्पोर्टेंटली ग्राउंड नट्स. जो नट्स हैं उसमें बादाम, काजू, अखरोट और मूंगफली वगैरह, इस किस्म के फल काश्त, इस किस्म के फल काश्त होते हैं. सम नट्स आर ग्रोन फॉर ईटिंग बट मोस्ट आर ग्रोन फॉर ऑयल. ज़्यादातर जो मेवा जात हैं वो खाने के लिए लगाए जाते हैं, कुछ जो उनसे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो उनसे हैं वो ऑयल के लिए, यानी उनका तेल निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. ग्राउंड नट ऑयल स्पेशली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कुकिंग. जो मूँगफली का तेल है वो खाने के लिए बहुत अहम है, खाना पकाने में बहुत अहम है, इस्तेमाल किया जाता है. There has been very rapid increase in amount of fruits grown in Pakistan in the last 10 years, especially oranges and lemons, mangoes, apples, grapes, guavas. Pakistan ki phalon ki paidawar hai guzishta 10 saalon mein usme bahut tezi se izafa hua hai, khaas taur pe jo malte, aam, sab, angoor aur amrood wagaira hain unki paidawar mein have increased. Between 50 to 100%, the value of fruit exports has risen from 935 million rupees in 1991 to 7,313 million in 2008. यानी के तकरीबन 100% इसमें इजाफा हुआ है. और जो एक्सपोर्ट है यानी दूसरे मुल्कों को भेजना है, बेचना है, वो उसमें भी इजाफा हुआ है, जो कि 1991 में 935 लाख थी और 2008 में 7 अरब 313 करोड़ पे पहुंच गई. आप क्या सोचते हैं कि ऐसा इतना इंक्रीज किस वजह से आया है? इम्पैक्ट ऑफ 2010 फ्लड्स ऑन पाकिस्तान. 2010 में आने वाले सैलाबों के क्या असरात हुए पाकिस्तान पे? द कैटास्ट्रॉफिक फ्लड्स इन पाकिस्तान इन समर 2010 वर द रिजल्ट ऑफ वेरी हैवी रेन्स अक्रॉस द कंट्री. 2010 में जो कि मुल्क में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी, जिसके जो नतज थे वो बहुत ही तबाहकुन थे, बहुत ही ज़्यादा तबाहकुन थे. मिलियंस वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, क्रॉप्स, लाइफ स्टॉक एंड फूड स्टॉक आर डिस्ट्रॉयड. यानी लाखों का जो सा है, लाखों की कीमत की जो प्रॉपर्टी थी, जो फसलें थी, जानवर थे, जो चारा था, जो खाने पीने का स्टॉक था, वो सब तबाह हो गए. मिलियंस ऑफ पीपल वर अफेक्टेड. लाखों लोग जो उनसे हैं उनकी ज़िंदगियां मुतासर हुई थी. लूजिंग देयर होम्स, अपने घर उन्होंने खो दिए. द पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्राउंड कम्युनिकेशन वर बैडली डैमेज. जो कि बिजली का निज़ाम था और जो ज़मीनी मवासलात थे, बुरी तरह से मुतासर हुए थे. देयर वर आउटब्रेक्स ऑफ डिजीज इन रिलीफ कैंप्स. जो रिलीफ कैंप लगाए गए थे, जो इन सैलाबों से जो लोग मुतासर हुए थे, उनके लिए जो रिलीफ कैंप्स लगाए गए थे, उनमें जो मुख्तलिफ किस्म की वबाएँ और बीमारियाँ फूट पड़ी थी. ओवरऑल द फ्लड्स हैड अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द पाकिस्तान इकॉनमी. मजमू तौर पर जो ये जो सैलाब थे, इनके जो पाकिस्तान की मौशियत थी, मौशी हालत थी, इस पर बहुत ही ज़्यादा मनफी असरात मुरतब हुए थे. इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं. बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़.